नमस्कार दोस्तों, 20 साल पहले मोदी जी ने एक बार बीबीसी को इंटरव्यू दिया। वैसे तो जनरली इंटरव्यू देते नहीं हैं, और देते हैं तो ऐसी वाट लगाते हैं कि उनको सदियों तक याद रहता है कि मोदी जी कुछ बोले थे। अब मोदी जी आज की डेट में और पुराने के मोदी जी सेम नहीं रहे। उस वक्त नए नए अभी पॉलिटिक्स के अंदर थे, 2002 का कांड अभी अभी किया ही था, बड़ी सुर्खियों में थे दुनिया में, और उसके बाद उन्होंने सीख लिया कि डिप्लोमेसी को कैसे किया जाता है। आज कुछ बात करेंगे 20 साल पुरानी और आज के मोदी जी में फ़र्क क्या है, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे संजीव जी के साथ। सर, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, आप भी व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था, भारत में हूँ लेकिन टाइम नहीं था। आप भारत में तो कभी टाइम होता ही नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि सबको आग लगी पड़ी है। सो सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये 20 साल पहले जो मोदी जी थे, जब भी किसी फॉरेन मीडिया के साथ बात करते थे, ऐसा जवाब करारा देते थे उनको कि दोबारा से उनकी चूचा भी निकलनी बंद हो जाती थी। और अमेरिका ने तो डर के मारे मोदी जी का जो वीज़ा रोका हुआ था वो भी खोल दिया कि पता लगे हमारी भी वाट लगा दी। वो जो मोदी जो स्टंट दिखाते थे उस वक्त, और जैसे उन्होंने इस लेडी का, बीबीसी वाली का, जैसे मुंह बंद किया है जी। उन्होंने बोला कि 2002 में देखिए बड़ा ही खतरे का माहौल है, डर का माहौल है, जो मुसलमान है वो चाकू चलाना चाहते हैं चला नहीं सकते हैं, लड़कियां उठाना चाहते हैं उठा नहीं पा रहे हैं, वो बहुत डरे हुए हैं और आपके कारण हुआ है। मोदी जी ने आपको लगता नहीं कि जैसे जवाब उस वक्त दिए थे वो बिल्कुल एप्ट थे? जी, उस वक्त जो मोदी जी ने जवाब दिया था वो बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया था। उनका ये कहना था कि भैया जो ये ब्रिटिश मीडिया है ये हर बात को ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही है, गलत नैरेटिव सेट कर रही है, जबकि हमारे देश में तो बहुत ज्यादा शांति है। और गुजरात के उस माहौल के बाद आज तक वहां पे गुजरात में मतलब देखिए उसके बाद कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। तो मोदी जी ने उस टाइम पे भी जो 20 साल पहले इंटरव्यू दिया था बोलते नहीं थे, हमारे यहाँ तो बहुत शांति है, और आप जाके किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात कर लो, अगर वो हमारे खिलाफ कुछ बोल दे तो बता देना, क्या हमारे साथ कुछ बोल दे। तो एक्चुअल में किसी की हिम्मत थी नहीं इस चीज के खिलाफ बोलना, वो जानते थे कि अगर ये बोलेंगे तो उसका कोई असर अलग तरीके से होगा मोदी जी पे, और मोदी जी की बात से ही वहां पे शांति किस तरीके से पैदा होती थी कि सारी की सारी कम्युनिटी चुप्पी साथ के बैठती थी, और जो भी अनुशासन के रूल्स रेगुलेशन थे तौर तरीके थे उसको मानने में मजबूर थी वो, और कि भी इस स्टेट के अंदर अगर रहना तो शांतिप्रिय तरीके से ही रहा जा सकता है और इस स्टेट के रूल्स रेगुलेशन को मान के रहा जा सकता है। और उसी चीज के बारे में मोदी जी ने उस ब्रिटिश जर्नलिस्ट को कहा था कि देख लीजिए हमारे यहाँ तो बहुत शांति है, अब तो जरा फैली हुई है कि हमारे यहाँ शांति नहीं है, या मुस्लिम जो है यहाँ पे डर के माहौल में रहता है वो उससे जाके बात कीजिए, वो आपके बारे में इस बारे में किसी किस्म की कोई बात बोलेगा नहीं अपने मुंह से। बिल्कुल सही है सर, ऐसा ही जवाब होना चाहिए, डर का माहौल हो रहा हो। लेकिन साथ में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दो तीन स्टेटमेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम जो आज का सिनेरियो है मोदी जी जो आज कर रहे हैं उसके साथ इसको रिलेट करेंगे। मोदी जी ने बोला कि जो वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर पीस एंड ऑर्डर नहीं है, आपकी जो गवर्नमेंट है मोदी जी की गवर्नमेंट ने पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में असफल है, तो मोदी जी ने बोला कि वहाँ पर तो सब कुछ चंगा पला है, आप जाके देख लीजिए वहाँ पर जो अनरेस्ट की जो बातें बोली जा रही हैं वो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से एग्जेजरेशन है। आज 25 साल से वहाँ पर मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर जहाँ पर इतना अनरेस्ट हो, आपको नहीं लगता कि ये भी उजागर करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट था मोदी जी की तरफ से कि अपोजिशन पार्टीज आग लगाने की कोशिश करती हैं लेकिन जब मेरे अंडर कोई चीज़ होती है आग लग नहीं सकती, और वो उन्होंने दिखाया भी है 370 हो राम मंदिर हो, आग नहीं लगने दी, मक्खी नहीं मरने दी। सुमित जी, अगर आप गुजरात की हिस्ट्री में जाएं तो मोदी जी जब से वहां पे चीफ मिनिस्टर बने थे, बीजेपी की सरकार वहां पे आई थी स्टेट के अंदर, उससे पहले कई साल पहले तक कांग्रेस की वहां पे सरकार वहां बन चुकी है 2-3 बारी। तो जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तो वहां पे माहौल कभी भी ठीक नहीं रहा उस स्टेट के अंदर, कई बार दंगे फसाद हुए, कई बार वहां पे वहां का माहौल खराब हुआ। मगर अब ये देखिए ये जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं या फॉरेन मीडिया है इनका दोहरापन देखिए सुमित जी, उन्होंने कभी भी उस बात को उजागर नहीं करा कि उस कांग्रेस की सरकार जब होती थी तब वहां का माहौल कैसा होता था। उन्होंने उस बात को उजागर करने की कोशिश करी कि मोदी जी की जो एक दबंग तरीके से काम करने का तरीका है
उसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो डर के माहौल में रह रही है, या वो ढंग से खुले तरीके से काम नहीं कर पा रही है, वो या वो अपनी बातों को सामने ढंग से रख नहीं पा रही है, तो मोदी जी ने कहा कि उसको मना थोड़ी कर रहा है, वो आराम से शांति से जब तक काम करते रहेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन को मान के चलते रहेंगे तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और मोदी जी ने एक बात का और उनको बात बताई, बोलते देखिए अगर मेरे स्टेट के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको कौन संभालेगा, मैं ही संभालूंगा ना, मेरी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां जितनी भी है, पुलिस है या बाकी जितनी फोर्स है वही संभालेगी, तो वो काम वो लोग वो इस काम को बहुत बेखूबी से निभा रहे हैं। और इस उसमें बाहर की किसी भी कंट्री के जर्नलिस्ट या गवर्नमेंट को बोलने का क्या मतलब है, अगर कल को ब्रिटिश किस तरीके ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पुलिस किस तरीके से संभालती है अपनी कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर को, हमारा बोलने का मतलब नहीं है। आप अपने देश को संभाल रहे हैं, आप देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं, आप कितने बढ़ चढ़ के कोशिश करते हैं कि आपके देश के अंदर किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी ना हो, अगर वही काम हम कर रहे हैं तो हमें सवालों के घेरे में रखा जा रहा है, वही काम आप करते हो तो हमें आपसे सवाल पूछने का हक तक नहीं है, इसके बारे में बात करने का हक नहीं है, तो ये दोहरापन नहीं चल पाएगा। और अगर इस तरीके से आप हमसे पेश आएंगे तो बेहतर यही है कि आप हमसे बात ही ना करें, अगर बात करनी है तो सही तरीके से उसको कवर करें और उसके उसके बारे में सही बात अपने अखबारों में अपने मीडिया के अंदर उसको पेश करें सही तरीके से। तो मोदी जी ने बड़े दबंग तरीके से उस वक्त जवाब दिया था सुमित जी। सर मोदी जी मुझे याद है, मुझे उन्होंने चैलेंज किया था इन फॉरेन पत्रकारों को कि भाई आप जो फॉरेन की जो ये आपकी जो ये कबाल है और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर आप हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, आप चैलेंज करता हूं आप अब गुजरात के बीच में ह्यूमन राइट्स और फॉरेन एंटिटी को लेकर आइए और कोशिश कीजिए। जैसे ही मोदी जी ने ये चीज़ बोली ये सारे के सारे चुप्पी साध लिया कि पता लगे बंदर की टोपी और बकरी वाली दाढ़ी वाले जो लोग हैं उन्हें ही खत्म कर दिया गया, वो चुप कर बैठ गए। यानी कि जो चाइना वाला मॉडल इनके ऊपर कॉकरोचों के ऊपर अपनाया जाता है, मोदी जी ने धमकी देकर बोला था अगर आपने कोशिश किया हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर दखल अंदाजी करने के लिए तो मैं करके दिखाऊंगा जो करना है। आपको नहीं लगता कि जो मोदी जी ने स्टैंड तब लिया था उसके बाद इन्होंने अपना स्टैंड जो चेंज कर लिया, सबका साथ सबका विकास, उसकी कीमत बहुत भारी मोदी जी को चुकानी पड़ी? सुमित जी देखिए जो वो जो इंटरव्यू दिया था उसके बाद क्या हुआ कि मोदी जी की जो इमेज इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर भी गई वो इस प्रकार की गई थी कि ये एक ऐसा इंसान है जो एक्सटर्नल फोर्सेस या फॉरेन मीडिया या जितने भी लिब्रांडू हैं या जितना भी डीप कवाल्स है दुनिया का उसके उसके सामने झुकने से मना करता है, और ये एक इस किस्म का इंसान है जो अपने तरीके से ही काम करना जानता है, तो उसने मोदी जी की छवि को बहुत ऊंचे स्तर पे लेके गया। तो शायद उसी वजह से जब प्रधानमंत्री का चुनाव करना था तो बीजेपी के पास इनके अलावा कोई और लीडर उसके उसके उस समय नहीं था पेश करने के लिए, तो मोदी जी का नाम जैसे ही सुर्खियों में आएगा इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए आगे रखा, इनका नाम आगे रखा जा रहा है, और जिस दिन इनकी जो पार्टी ने सेंट्रल कमांड ने इनके जो था वो उन्होंने इनका नाम को अप्रूव करा जिसमें लाल किशन आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और जसवंत सिन्हा जी और जसवंत सिंह जी और ये सब जितने लोग इन्वॉल्व थे तो उन्होंने भी इनका नाम आगे रखा। तो जब एक बार ये सिलेक्ट हुए तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जनसंख्या है इंडिया की जो पॉपुलेशन है स्पेशली जो सनातन धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने इस चीज को माना कि अगर ये इंसान अगर गुजरात के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है, गुजरात की तरक्की कर सकता है, गुजरात को वर्ल्ड लेवल पे गुजरात का जो नाम है पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है तो ये हिंदुस्तान इंडिया के लिए भी ऐसा ही कुछ काम करके देंगे। तो तभी उन्होंने उनको बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट डाली और बहुत बड़ी मेजोरिटी से वो जीत के आए, वो कांग्रेस को बहुत बड़ी पटकनी दी क्योंकि पिछले उससे पहले जो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी हुई थी उसके अंदर उन कांग्रेस ने करप्शन की हर तरह की सीमा मतलब को तोड़ दिया था, मतलब जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रही थी या ओलंपिक रिकॉर्ड बनाना चाह रही थी इस प्रकार से उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे पूरे 10 साल के अंदर, इतने करप्शन के केसेस हो गए थे कि पूरे हिंदुस्तान के जो पैसा था वो पूरा खा के फॉरेन बैंकों में जमा करके रखा हुआ था। तो उस चीज मोदी जी ने उस चीज से हटा के इंडिया को जो टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर जगह दिलवाई दुनिया के अंदर
और एक दबंग तरीके से काम कर रहा है, एक ऐसे तरीके से काम कर रहा है जहां पे उन्होंने कहा कि मैं लोगों से आंख मिला के काम करूंगा, ना सिर उठा के करूंगा ना सिर झुका के करूंगा। तो उन्होंने जितने भी वर्ल्ड लीडर थे उनकी आंख में आंख मिला के बराबरी की बात करने की बात करी कि अगर हम आप इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो भैया हमें भी अपने फायदे के हिस्से का हिस्सेदारी आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फायदा सिर्फ आपका अकेले का होगा। तो जब पूरी दुनिया में ये चीज बात खुल के गई तो दुनिया ने इंडिया की बात मानी, इंडिया की गवर्नमेंट की बात मानी, यहाँ पे खूब सारी इन्वेस्टमेंट आई, खूब सारे लोगों को रोजगार मिला, खूब सारी इंडस्ट्रीज लगी और इंडिया की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन सुधरती चली गई। मगर अब की बार जो लास्ट अभी चुनाव इस साल में जो हुआ है उसमें थोड़ी सी सीटें बीजेपी गवर्नमेंट की कम आने की वजह से, वो क्योंकि दो ऐसी पार्टी है जिसकी सपोर्ट की वजह से उनकी गवर्नमेंट बनी, एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की वजह से, एक दूसरी नीतीश कुमार जी की पार्टी की वजह से ये गवर्नमेंट में इनको बनने का मौका मिलना है। अपने आप में बीजेपी की सीटें बहुमत से थोड़ी कम आई है, इसकी वजह से थोड़ा सा मोदी जी पहले के मुकाबले जितना दबंग तरीके से सामने आते थे उतना ही इस वक्त शांत नजर आ रहे हैं। या तो वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहते या डिस्कस नहीं करना चाहते, तो मगर छेड़खानी करने से लोग बाज भी नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल मैं अगर देता हूँ कि पाकिस्तान हर रोज कश्मीर के अंदर आतंकवादी फैला के कोई आर्मी के लोगों को मारता जा रहा है, कभी एक मार दिए, कभी दो मार दिए, कभी चार मार दिए, वो छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वेस्टर्न लॉबीज ये चाहती हैं कि इंडिया पाकिस्तान से पंगा ले, उनसे अटैक करे, तो उसको एक जंग का माहौल वहां पे पैदा हो जाए। अब यूक्रेन में देखिए कि वेस्टर्न लॉबीज ने यूक्रेन को कितनी खूबसूरती से रशिया उलझा दिया है। आज कितने साल हो गए कि लगातार 2 साल से ऊपर हो गए कि वो जंग खत्म होने का नाम ही ले रही, और जितने भी आर्म्स लॉबी हैं वो यूक्रेन को आर्म्स भी बेचती हैं और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां से एड भी पहुंचाते हैं, वही एड का पैसा जो आर्म्स लॉबी वहां से निकाल के अपने हथियारवाद देती है और जंग खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगर इंडिया सही समय के वेट करे बगैर, मतलब सही समय का जो चुनाव है वो मोदी गवर्नमेंट को खुद करना है कि पाकिस्तान से जो पीओके वापस लेना है या जो हमारी जो जमीन है वहां पे जा चुकी है उसको वापस लेना, उसके सही समय का चुनाव ये खुद लेना चाहते हैं, ना कि किसी के दबाव में लेना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान इंडिया को कितना भी छेड़ ले। अभी तो क्या है कि हमारे देश के अंदर वो आके आतंकवाद फैला रहे, तो हम उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं कि उनको धीरे धीरे पकड़ भी पा रहे हैं, उनको मार भी पा रहे हैं। वही काम अगर दूसरे देश में जाके हम करते हैं तो वो शायद एक जंग का माहौल बन जाएगा। तो जिससे मोदी जी फिलहाल अवॉइड करना चाहते हैं वो अपने समय का इंतजार करना चाहते हैं कि जब सही समय आएगा तो ये काम मैं अंदर ही अंदर पहले से प्लानिंग कर लूं, फिर मैं एक ऐसा मतलब हथौड़ा मारूं गर्म लोहे पे ताकि उसका असर जो है वो हमेशा के लिए रहे। तो शायद ये भी वजह है कि मोदी जी शांत है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और भी है सुमित जी, कि देखिए वर्ल्ड के जितने भी लिब्रांडो गैंग के लोग हैं या कबाल के लोग हैं या वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी से गड़बड़ी फैलाई जाए। अब मोदी जी शांत हो गए, पहले पूरी सिचुएशन का आंकलन लेना चाहते हैं, उसको समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है, ताकि उसके बारे में तैयारी करिए। वो रिएक्शन वाले काम नहीं करने के मूड में नहीं है। मोदी जी जब चाहे एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं, उनके मन में क्षमता है, मगर वो बिना इस वक्त बिना सोचे समझे कोई भी कदम आगे उठाना नहीं चाहते हैं। शायद इसी वजह से लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है कि मोदी जी बहुत सुस्त पड़ गए हैं या शांत पड़ गए हैं या डर गए हैं, या वो राहुल गांधी जी भी आजकल इस तरह के मोदी जी की चुप्पी के बारे में इस तरीके से बयान देते हैं, देखो जी मेरी वजह से मोदी जी शांत हो गए हैं, या इनके अंदर वो 36 इंच का सीना कहाँ चला गया, अब मतलब इस टाइप की बेकार की बातें मैं उलझाने की कोशिश करता हूँ। शायद मोदी जी उकसा दिया जाए, शायद वो अपने मुंह से कुछ ऐसी बात बोल दे जिसको पकड़ के ये इनकी राजनीति चमक चमका सके। मोदी जी बहुत खेले हुए इंसान है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, वो चाय को ठंडा करके पीने में यकीन करते हैं। सुमित जी, वो कोई भी कदम आगे उठाएंगे उसके पीछे वो 10 बार ही सोचेंगे, उसके पीछे एक तीर से 4 शिकार कैसे करा जाता है वो उसके बारे में सोचते हैं, वो एक तीर से 1 शिकार करने का कभी नहीं सोचते हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो होगा मोदी जी की कोई भी आने वाली डिसीजन का, उसका मल्टीफेज इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट का असर जो पूरी दुनिया में जाएगा, सिर्फ ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में उसका असर होगा। तो वो पूरी चीजों को अच्छी तरह समझने के बाद ही फैसला लेंगे। शायद इसी वजह से उन्होंने
पहले पहले दो अपनी जो दो बारी उन्होंने अपने गवर्नमेंट का जो 10 साल निकाले उसकी उसके मुकाबले अब की बार थोड़ी सी उन्होंने चुप्पी ज्यादा बनाई हुई है। सर चुप्पी का तो ये हाल है कि उस वक्त 20 साल पहले उन्होंने बोला कि मुझे मालूम है कि जो प्रोपेगेंडा है आप लोग कैसे करते हैं, मेरे खिलाफ आप जो है एक विक्टिम कार्ड खोलने की कोशिश करते हैं कि देखिए मीडिया को दबाया गया, मुसलमानों को दबाया गया, जबकि वो तो बड़े प्रेम से चाकू चलाते हैं। और ये जो सारे आप काम कर रहे हैं एक जो नैरेटिव्स को आप हमारी ऑपोजिशन के साथ मिलकर जो मिस इन्फॉर्मेशन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि ये सारी जो कॉन्स्पिरेसीज आप मेरी रेपुटेशन और मेरी कंट्री की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए जो काम आप करते जा रहे हैं, मैं इस देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा मैं वो काम करूँगा। तो जो लोग आज बोलते हैं कि मोदी जी चुप हैं, मोदी जी वीक हो गए, मोदी जी का 56 इंच का जो चेन सीधा था वो छोटा हो गया है, सुंगड़ गया है, मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक आदमी का DNA वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जो कॉकरोच हैं वो सारी उम्र कॉकरोच ही रहेंगे, वो इंसान नहीं बन सकते। जिसने 20 साल पहले जब सारे दुनिया की जो बंदूकें हैं वो मोदी जी के कैरेक्टर की तरफ आ गई थी कि इन्होंने वहाँ पर मुसलमानों को मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, मोदी जी ने बोला इनको उसी भाषा में जवाब दो। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान को भी हमने उसी भाषा में जवाब दिया है। अगर आपको ये लगता है कि मोदी जी का DNA चेंज हो गया, तो ये आज का जो वीडियो है ये समझाने के लिए है, 20 साल पहले जो मोदी थे वो आज भी हैं, तब वो दुनिया को शट अप कॉल देते थे कि हमारे इंटरनल मैटर्स में बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो खुद मुंह बंद करके बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ आदमी रखे हुए हैं जो इनके बिहाफ पर बोलते हैं, जिनमें जयशंकर जी हैं या हमारे अजीत डोवाल हैं। ये जाकर ऐसे जवाब देते हैं कि दुनिया उसके बाद बोल ही नहीं पाती है। जब आपके पास एक आदमी रखा हो बोलने के लिए तो अब खुद बोलने की ज़रूरत क्या है, बंदे का काम बोलना चाहिए। 20 साल पहले भी इस देश में जो मुसलमान था वही जो सारे गंदे काम करने वाली कौम है, वो 20 साल पहले भी मोदी जी के अंडर नहीं कर पाई, आज भी वो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये सारा जो लिब्रांडो गैंग है वो घबराया हुआ है कि अगर मोदी जी ऐसे ही काम करते रहे तो हमारा जो टाइमलाइन है भारत को गजबे हिंद करने का वो और डिले हो सकता है। इसलिए ये इंटरव्यू आपको समझाने के लिए था कि 20 साल पहले मोदी जी जो काम करते थे आज भी कर रहे हैं, तब ही वॉज टू मच वोकल, अभी उनको समझ आ गया कि जो काम चुप्पी से करवा सकते हैं उसके लिए बोलने की ज़रूरत क्या है। बट मोदी जी को मालूम है कि मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसिस, ये सारा काम बाहर की जो कबाल है, डीप स्टेट है, उससे मिलकर कैसे खेला जाता है, इस गेम को कैसे आगे लेकर जाया जाता है। इसलिए मोदी जी अगर चुप हैं क्योंकि वो उनके लिए भारत की सॉवरेनिटी, हमारी इंडिपेंडेंस वो इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि मोदी जी की चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और अगर सामने पागल हो राहुल गांधी जैसा तो उसका जवाब, पागल आदमी का जवाब पागलपंती से नहीं देना चाहिए। कई बार चुप्पी बहुत बड़े बड़े चीज़ों को उजागर कर देती है। इसी के लिए साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगला मुद्दा एक और है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, वो है वक्फ बोर्ड के ऊपर। मैं संजीव जी ने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है कि जो वक्फ बोर्ड में अभी जो चेंजेस आने वाली हैं वो कौन सी हैं, क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए, और ये कैसे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो हिंदुओं के साथ रची गई लहड़ू एंड गांधी की तरफ से वक्फ बोर्ड, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।